भी जो है वो कट आउट करके। माशाल्लाह बोलो भाई चेहरा देख के भाई, जब तक ये गर्मी है तब तक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ। अच्छा हुआ सही टाइम मेरे को पता चल गया। जितने भी यहाँ पे बाकड़े थे सारे के सारे निकाल दिए, यहाँ पे भी जो सारे के दाल पत्रे वगैरह सब निकाल दिया, आगे भी सब यही सीन है। अब ये सारा का सेटअप करने में ऑलमोस्ट पूरा दिन चल जाता है। ये देखो बस सारा का सारा जो निकल गया, दाल पत्री ऊपर के छपड़े वगैरह सब निकल गए। देखो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। सुबह सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। जिस चीज के लिए मैं इतना एक्साइटेड था ना, उसका एक्चुअल में काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज जो मैं सबसे पहले काम करने हैं, जरूर निकालने हैं। ऑल्सो मुझे अपने पासपोर्ट साइज फोटो भी निकाला है। पासपोर्ट साइज फोटो निकालने का इजी हैक बताता हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी अच्छा खासा बचेगा एंड शायद से थोड़े पैसे भी जो होगा जैसा होगा आपके स्टॉक में जो देखने के लिए मिल जाएगा। मैं लास्ट टाइम का नाश्ता करने के बाद सो गया, उठाओ ना गर्मी के साथ में, देखा मैंने कितना दफा 35 डिग्री सेल्सियस। ये पासपोर्ट साइज फोटो निकालने के जाने ही वाला था, जैसे अपना सुंदर सा मुखड़ा मैंने खिड़की से बाहर निकाला तो भाई जो भपका लगाया ना मुझे, तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। छोड़ो भाई शाम में जाता हूँ मैं, आपके लिए हैक बताने आपको दिखाता हूँ मैं। फिलहाल तो अगर मैं बाहर गया ना भाई साहब खत्म खलास। पर पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करने के लिए मुझे अपनी पोशाक चेंज करनी पड़ेगी। व्हाइट कलर की पोशाक अगर आप पहनोगे तो अच्छा होगा, या तो फिर अगर ब्लू कलर की शर्ट पहनोगे तो भी वो भी अच्छा होगा। वैसे एडिंग में भी कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात है। अपनी मुंडी जो है वो कट आउट करके जो पेस्ट करना है, लेकिन मुझे वो करना नहीं, मैं अपने हाथ से करता जो भी करता हूँ असली एकदम रियल। बस चुटकी बता दो ना, शर्ट पहन लेता हूँ मैं तो भाई। ये भी कुछ बात, अपने बाल भी जो ऑटोमेटिकली बन गए छुट्टी हो जाएंगे साथ ही। सुबह पहले स्टेप मेरा कम्प्लीट हुआ पोशाक बदलने का, पोशाक बदल लिया मैं, बाकी इस्त्री नहीं है छोड़ दो। लास्ट टाइम मुझे आदमी ने कहा मैं इस्त्री गया था। सेकेंड स्टेप बताने से पहले, बाहर जब भी हम जाते हैं पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करने के लिए, जो शॉप पे जाते हैं वही अपना पिक्चर क्लिक करता है, वो अपने जो पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करके देता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसे बहुत ही सारा टाइम जाता है। अगर कहीं गर्दी हो गई तो आपको जो वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा अपने पास कोई चॉइस नहीं रहता है। मैं क्या करते आ रहा हूँ पहले से, मैं अपने पिक्चर क्लिक करता हूँ घर में ही, अपने एडिट कर लेता हूँ उसको अपने मोबाइल के अंदर ही, फिर अपना बैकग्राउंड में चेंज करता हूँ अपने पिक्चर का। जब उसके बाद में सिंपली सी फोटो में जो है दुकान वाले को सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो विद इन 5-10 मिनट में अपना जो फोटो मुझे रेडी होकर मिल जाता है। ये है अपना सिंपल सा हैक, सिंपल सा ट्रिक। और गाँव में निकाला फोटो, 8 फोटो निकली थी 50 रुपये में। अभी रिसेंटली मैं निकाला था, मुंबई आने के बाद पहली बार पासपोर्ट साइज फोटो निकालने जा रहा, उसके बाद भी मुझे एक और काम हो गया। डे लाइट भी है करके अपना जो नेचुरल फोटो आएगा, शाम होने से पहले मुझे अपने पिक्चर क्लिक करना है, उसको एडिट करना है, फिर शाम को अपन चलेंगे बाहर। फर्स्ट अपने पिक्चर क्लिक करो, उसके बाद किस तरीके से उसका एडिट करते हो आपको दिखाऊंगा। A few moments later, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 फोटोज के बाद फाइनली एक फोटो जाके मेरे समझ में आई है। ये आप देखो भाई गर्मी में मेरी हालत, आप देखो अगर मैं शर्ट पहन के बाहर चले जाता तो हालत तो मेरी खराब होती, साथ ही साथ मेरी पिक्चर भी सही से नहीं आती जो कि मैं नहीं चाहता। पिक्चर क्लिक करके हो गया, बात आती है उसके एडिटिंग की, किस तरीके से अपने हिसाब से अपनी पिक्चर को जो एडिट करता हूँ, उसके बाद जाके मैं उसको जो प्रिंट आउट निकालवाता हूँ पासपोर्ट फोटो में। ये अपनी फोटो है क्योंकि मैंने व्हाइट शर्ट पहना हो तो अपने बैकग्राउंड में जाएगा ब्लू कलर। मोस्टली अपने जो पासपोर्ट फोटो रहती है उसके बाद फिर बैकग्राउंड जो है व्हाइट रहता है या फिर ब्लू रहता है, तो भाई ये दो कलर मोस्टली रहते हैं। तो ये जो अपना बैकग्राउंड उसका मैं क्लियर कर दूंगा पूरा, और ये रहा अपना जो बैकग्राउंड एक्चुअली ब्लू कलर का है। भाई ये जो एप्लीकेशन में यूज कर, इसको बोलते हैं पिक्स आर्ट। भाई एक ऐसी वेबसाइट भी है जो कि आपको फटाफट से अपनी जो पिक्चर में से बैकग्राउंड निकाल के देगा, तो उस वेबसाइट का नाम है रिमूव बीजी। मैं सारे का सारा काम मैं अपने हाथ से करता हूँ। पासपोर्ट से फोटो का साइज इतना रहता है स्क्वायर में, ये देखो भाई इतनी कुछ अपनी पिक्चर आएगी। माशाल्लाह बोलो भाई चेहरा देख के, चुटकी बजाते अपना बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया, और ये अपना हो गया बैकग्राउंड भी रिमूव। ये देखो भाई अपने पासपोर्ट साइज फोटो जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी भी हल्का हल्का यहाँ पे एजिस में से मुझे क्लीन करना है, ये हल्का हल्का से एकदम ये चले गया। ये जो बाल की पंखड़ी है वो भी निकाल देता हूँ, लिटन क्लीन। बाकी यहाँ पे भी हल्का हल्का सा है डन, मुझे थोड़ा सा इसको कम करके देखता हूँ। इन लेस देन 5 मिनट भी ये लेके जाना है मुझे बाल का जो प्रिंट आउट निकल है। ये हो गया अपना फोटो सेव। इसी से आप अंदाजा लगा भाई चीज़ें कितनी ज़्यादा जो एडवांस हो गई है, नहीं तो भाई पहले स्टूडियो में जाओ वेट करो अपनी बारी आने का, या फिर 2-3 दिन वेट करो अपने फोटो जो है निकल के आने का। कुछ साल पहले की बात कर रहा मैं, एंड अभी आप देखो भाई कितना ज़्यादा जो इजी हो गया है। वेन में आप भी ऐसा कर सकते हो, अपना टाइम यूज़ करते हो, थोड़ा पैसे सेव कर सकते हो, साथ ही साथ गर्मी से तो बची रहो आप। तो बस 5-6 बजे के करीब निकल जाएंगे अपने काम के लिए। व्हाइट शर्ट को उतार के ऑब्वियसली मैंने अपना येलो टी शर्ट पहन लिया, भाई येलो टी शर्ट माइंड ही मेरे पास 3-4 ऐसे सेम टू सेम येलो टी शर्ट जो कि पहले मेरे फादर पहनते थे, मेरे फादर के बाद मेरे भाई पहनते थे, मेरे भाई के बाद मैं पहन रहा हूँ। 70% काम हो गया है एंड बाकी जो 30% काम है होपफुली इंशाल्लाह वो भी अपना सही तरीके से स्मूथली हो जाए इंशाल्लाह। ढल गया दिन, हो गई शाम, अभी चलो अपने काम। मुझे चाइनीज़ खाने का मन हुआ था मेरा, लास्ट मैंने कहा था रमजान में।
चाइनीज भेज, उसके अंदर मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। A few moments later. तो भाई यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात हो गई, और दिक्कत वाली बात ये है जो मैंने ब्लू बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, बैकग्राउंड ब्लू नहीं चाहिए व्हाइट चाहिए, जो अच्छा होगा सही टाइम मेरे को पता चल गया, तो बस वही मैं चेंज कर रहा था। अभी बाइक पे बैठे बैठे हमने फोटो का बैकग्राउंड मुझे चेंज कर लिया, एंड इस बार बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर का है। बस अभी इसका जो प्रिंट आउट निकालना है ऐसा भेज देगा, गर्मी से जो मैं हालत होकर रखी, सोचा कि मैं दोपहर में आता इसका डबल होता। सब हो गया, हमने फोटो का काम भी अलहमदिल्ला। भाई जब तक ये गर्मी है तब तक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ। ये हालत देखो मेरी, ये देखो सलाम। होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और एटलीस्ट आपको जो थोड़ा बहुत कुछ सीखने मिला होगा। गर्मी में जो है बैंड बज रही नहीं भाई दिनों, कल शाम में गया था बाहर घर पे, आज वक्त जो आपने मेरी आदत देखे, सोचो अगर मैं अभी बाहर निकल जाऊँ सकल्ला अल्लाह। बस इस ब्लॉग इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, नए हो सब्सक्राइब करो अपने आजा, बाकी फॉलो मोर अपडेट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, मिलता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।